कोरिया जिले का शासकीय जिला अस्पताल अब एक और मामले से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल यहां बीते दिनों एक मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने और मरीज के परिजन से पैसों की मांग करने पर सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मरीज के साथ आई मरीज की मां ने जिला अस्पताल के एक डॉक्टर के ऊपर इलाज के बदले पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया था। वहीं जब महिला ने इस बात की शिकायत प्रशासन से की तो मामला गंभीर होने के कारण जिला CMHO RS सेंगर ने इस मामले की जांच की, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन राजेंद्र बंसरिया को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला CMHO RS सेंगर ने अन्य जानकारियां भी दी हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने लड़का को लेके आई थी हॉस्पिटल, 21 तारीख को एक्सीडेंट हुआ उसका, और उसी दिन उसको लेके आई थी हॉस्पिटल आई थी, तो 12 बजे के बाद आई थी सर, तो यहाँ मतलब कि डॉक्टर नहीं मिले तो मैं बंसरिया के पास ले गई थी डॉक्टर के पास उनके घर में, तो वहाँ मतलब कच्चा प्लास्टर हुआ और सर बोले कि, मैं बोली कि सर हाथ टूट गया, तो बोले कि हाँ उसका हाथ टूट गया है, ऑपरेशन होगा। मैं पूछी कि सर यहाँ होगा कि हॉस्पिटल में, तो बोले नहीं हॉस्पिटल में होगा ऐसे बोल के, तो बोले कि ठीक है हॉस्पिटल ले आना, ऑपरेशन हो जाएगा, 15,000 रुपया लगेगा। इसके बारे में मेरे पास में, क्योंकि ये मैटर थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है और मेरे पास जानकारी आई थी कि इस तरह का एक मामला है, एक मरीज भर्ती है जिससे ऑपरेशन के लिए संबंधित डॉक्टर ने पैसे की डिमांड की है, इस संबंध में मुझे जानकारी लेनी थी, तो मैंने मरीज के अटेंडर्स को बुला करके और उन्होंने जो मुझे बयान दिए उसके आधार पर प्रारंभिक तौर पर जो बयान आया है उसको एज इट इज कवरिंग लेटर लगा के मैंने शासन को भेजा, उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है और उनके बयानों से ये स्पष्ट है, तीन लोगों के बयान हैं, मरीज की माँ, उसकी मौसी और उसके मामा, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि हाँ हमसे पैसे मांगे गए, तो अब ये गलत है या सही है आगे जो भी और कमेटी निर्णय करेगी, प्रारंभिक तौर पर इस तरह की जानकारी मिली इसके तहत ये निर्णय दिया गया।